अब मुखिया जी इसके लिए तैयार रहें और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, उसके तक हम कोशिश करेंगे पहुंचाने का। योजना में घोटाला हम नहीं सह सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका सीधा मिशन है, हम चुनाव हार गए हैं लेकिन जनता का सेवा करते रहें। हाँ, गरीब जनता को सेवा करना मेरा लक्ष्य है, वो करते रहेंगे। सत्ता में मैं नहीं पहुँच सका लेकिन विपक्ष का दर्जा हमें ज़रूर मिला। मेरे पास 700-800 वोट का बहुमत मिला जो कि मेरे गरीब गुरुवा वोट दिए। कोई भी योजना अगर छुपा हुआ रहेगा, कहीं भी नली गली का काम होगा, गलत ढंग से काम होगा, उसका मैं उजागर करूंगा। रिकॉर्ड है, आज तक दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी किसी प्रकार का नशा यूज नहीं करता हूँ। इस तरह के करके राजनीतिक साजिश के तहत हमें चुनाव हराया गया। पता चला कि पूरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो चुपचाप निकल के बाहर चले गए। जब प्रशासन से पूछे कि मेरे पास छापा मारने का आपके पास जो नोटिस है उस पर मेरे से दस्तखत करवाए, तो बोला कि ऐसे ही मार दिया गया। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार में। पंचायत चुनाव का समाप्ति हो चुका है, बहुत सारे मुखिया नए चुने गए हैं और बहुत सारे मुखिया हारे भी हैं। हम अक्सर आपको जीते हुए मुखिया से मिलवा रहे हैं लेकिन आज हम आपको मुजफ्फरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रूबी देवी के पति पिंटू कुमार उर्फ सुधीर जी के पास आए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये चुनाव क्यों हार गए। हम आपको बता दें 2021 के पंचायती चुनाव में मुखिया पद के लिए इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और ये चुनाव हार चुके हैं। तो पिंटू जी से हम चर्चा करेंगे कि चुनाव आखिरकार क्यों हार गए। पिंटू जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे तरफ से नालंदा दर्शक के तमाम दर्शक और कार्यकर्ताओं को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, नालंदा दर्शक के सारे समर्थक को भी हार्दिक शुभकामनाएं। पिंटू जी, सीधा सवाल, क्या कमी थी कि आप चुनाव में पराजित हो गए? हमारे साथ चुनाव में पराजित होने का बहुत सारे कमियां सामने आया, जो सामाजिक या फिर जो भी उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी उन लोग साजिश के तहत मेरे ऊपर आरोप लगाकर छापा तक मरवाए, जो कि 15 तारीख को मेरे घर में मुजफ्फरा और इस्लामपुर छापा मरवाया गया और तरह तरह के प्रोपगंडा अपनाकर बदनाम करने का साजिश किया गया। इस वजह से ही हम चुनाव हारे और मैंने जो भी अपने विकास का मुद्दा जो जनता के बीच समर्पित किया, उससे जनता हमारे ऊपर आकर्षित होकर मेरा पिछले बार के अपेक्षा 4-5 गुना वोट प्रतिशत बढ़ा। मैं चुनाव हारा नहीं, मेरे गांव घर के जितने भी लोग पुराने राजनीति करता थे, वो चुनाव राजनीतिक साजिश के तहत गजब गजब के इतना तक हुआ कि मेरे घर में छापा तक मरवाया गया। छापा इस तरह का आरोप लगाया गया कि शराब के पैसे के चलते, शराब के चलते छापा मरा। अगर शराब के छापेमारी मारा जाता तो मेरे घर में गोदरेज और अलमीरा और बक्सा तोड़ के क्या वहाँ दारू रखा जाता है? लेकिन थाना प्रभारी भी से हम पूछे कि किस आधार पे आप छापामारी किए, तो नहीं बताए। जब वो नोटिस उनसे मांगे तो नहीं दिखाए और छापामारी ऐसी करके चल गए। ये पूरी तरह इस्लामपुर एरिया नहीं, पूरे बिहार का प्रशासन का विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। इस पर हम आरोप लगाते हैं, जब कहीं भी छापामारी किया जाता है तो उसमें उसको नोटिस दिखाया जाता है, उस पर दस्तखत करने के बाद ही आप अंदर घर के अंदर घुस सकते हैं। जब यहाँ इस्लामपुर मेरे आवास पे, मुजफ्फरा मेरे आवास पे छापा एक साथ मारा गया, तो क्यों नहीं दोनों में एक भी जगह ऐसा किया गया? जब इस बात को जानकारी लिए तो ऐसी सूचना दिया तो छापा मार दिए, ये बिल्कुल सरासरी गलत है। इतने बड़े आतंकवादी हमला होता है, मर्डर होता है, क्राइम होता है, उस पर छापामारी नहीं मारा जाता है। लेकिन एक निर्दोष, जो कि हम दिव्यांग व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जन्म से आज तक न कभी शराब, न कभी दारू, ताड़ी, गांजा, बीड़ी, गेंड, खैनी, सिगरेट किसी प्रकार का नशा नहीं यूज करते हैं, मेरे परिवार में नहीं करते हैं। और गलत आरोप लगाकर मेरे ऊपर छापामारी मराकर मेरा बने हुए माहौल को बिगाड़ने की साजिश की गया। और इसी तरह हम चुनाव में पहला कदम में हम पीछे हट गए। चुनाव के 5 दिन पहले मेरे ऊपर तरह तरह के प्रोपगंडा अपनाकर बदनाम किया गया, लंदफंद किया गया। आखिर 8 गो मुखिया प्रत्याशी मुजफ्फरा पंचायत से अगर किसी के पास छापा मरा तो 8 गो में 7 गो ही ना दोषी होगा, कोई दूसरा और होगा, बताइए, आप ही बता सकते हैं। इस तरह का आरोप मेरे ऊपर क्यों लगाया गया? जब थाना में अपने सुरक्षा की मांग को लेकर 16 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दिया तो चलिए आपके पास अब कुछ नहीं होगा, चलिए कोई दिक्कत, तब तक तो मेरा माहौल पूरे मार्केट में उड़ा दिया गया कि ये गलत प्रवृत्ति का आदमी है, जबकि मेरे बारे में रिकॉर्ड है, आज तक दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी किसी प्रकार का नशा यूज नहीं करता हूँ। इस तरह के करके राजनीतिक साजिश के तहत हमें चुनाव हराया गया। और कुछ हमारे गाँव के लोग इस तरह बरगलाने में जो पुराने राजनीति करता है, बदनाम करने के साजिश से मेरा चुनाव हरा दिया गया।
अच्छा पिंटू जी, एक बात बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि चुनाव से तकरीबन 5 दिन पहले हमारे ऊपर पुलिस का रेड पड़ा घर के ऊपर, शराब, मतलब कि पुलिस को ऐसा संदेह था कि आपके घर में शराब है, तो छापामारी में क्या क्या मिला था? सही में शराब मिला था या फिर अफवाह था? अफवाह था। मेरे घर में किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं पकड़ाया, और नहीं पकड़ाया जब वहाँ से प्रशासन द्वारा जब छापा मारा गया तो मेरे घर में फिर उनको पता चला कि पूरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो चुपचाप निकल के बाहर चले गए। जब प्रशासन से पूछे कि मेरे पास छापा मारने का आपके पास जो नोटिस है उस पर मेरे से दस्तखत करवाए, तो बोला कि ऐसे ही मार दिया गया। इस तरह के रवैया अगर प्रशासन कोई भी करते हैं तो सोचे कि बिहार में क्या प्रशासन है या क्या सुशासन है, इस पर तो मेरा आवाज़ उठाना लाजमी है। एक छोटा सा लाचार दिव्यांग लाचार व्यक्ति के ऊपर जब छापामारी मरवाया जा सकता है, तो सोचिए कि दबंगों द्वारा किस तरह घिनौना काम करके, मतलब अच्छे व्यक्ति अच्छे विचार करने वाले को किस तरह फंसाया जाता है। मतलब कि आपके चरित्र पर किसी न किसी प्रकार से दोषारोपण किया गया? हाँ, मेरे चरित्र के ऊपर मतलब दोष लगाया गया, लेकिन मैं बिल्कुल निर्दोष साबित हुआ। मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध सामान, दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं पकड़ाया। जब दारू खोजने आए थे तो पूरे घर में चप्पे चप्पे मारे, तो मेरे पास पेटी, गोदरेज, अलमीरा किस लिए तोड़ तोड़ के देखा गया, ये बिल्कुल गलत किया गया। मेरे पास मतलब तरह तरह के आरोप लगाया गया, लेकिन किसी प्रकार का मेरे पास कुछ भी सामान नहीं पकड़ाया, न पैसा कौड़ी लंद फंद किसी ने। मैं चुनाव एक विचारधारा से लड़े थे, अच्छे विचार, मेरा एक ही विचार मिला था कि गरीब व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य संबंधी विचार करना था। वो पहले भी हम आपके साथ स्टेटमेंट दे चुके हैं, हमारा मकसद था कि इसलिए चुनाव लड़े थे, गरीब गरीब कब तक रहेगा, इसी पे हम काम कर रहे थे। लेकिन जनता को मेरी बात पसंद आई, गरीब गुरुओं को पसंद आया, लेकिन भड़काऊ भाषण बनाकर, भड़काऊ प्रोपगंडा अपनाकर पंचायत में मेरे साथ गलत नियत से करके छापा मरवा के अल बल करवा के मेरा चुनाव किसी भी तरह से हरा दिया गया, रोक दिया गया। इसके लिए बहुत मुझे दुख हुआ, और मैं मानहानि का एक मुकदमा भी दर्ज किया था थाने में, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। मतलब इस एरिया में अगर अच्छे व्यक्ति, समाज सुधारक व्यक्ति पैदा होगा तो उसको समाज के गलत प्रवृत्ति के आदमी उसे गलत आरोप लगा के अंदर दबाने का काम करते हैं, उनका विचार के दबाने का काम करते हैं। यही काम मेरे साथ हुआ, मैं चुनाव हार गया इसी कारण से। अच्छा पिंटू जी, आप बहुत अच्छा बात बताया कि गरीब गरीब कब तक रहे, तो चुनाव से पहले आपका यह स्टेटमेंट था कि गरीब गरीब कब तक रहे, आप चुनाव हार गए हैं, तो क्या आप इस मिशन में मतलब कि बैक हो जाएंगे या फिर आगे भी इस पे कायम रहे? नहीं, मेरा मकसद है गरीब को शिक्षा का व्यवस्था देना कायम रहेगा, जो कि मेरा अपना एक शिक्षण संस्थान स्कूल है, उसमें हम गरीब बच्चे को अपने पंचायत से गरीब वाला चार बच्चे को पढ़ाने का काम करूँगा। आज भी पंचायत में हम सारे लोग के बोलिए हैं कि जिनको किसी भी स्वास्थ्य संबंधित स्थिति में ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो तो मेरा एम्बुलेंस फ्री में सुविधा रहेगा, आप जाइए लेके जाइए, उस सुविधा में देता रहूँगा, क्योंकि गरीब का सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। गरीब गरीब कब तक रहेगा, इसी पे काम करना। और पंचायत में किसी भी सरकारी काम पर अगर मुखिया थ्रू होगा, सारे योजना में अगर कहीं भी गड़बड़ी होगा, उसको मैं पर्दाफाश करूँगा, एक एक चीज़ का जाँच करूँगा, एक एक चीज़ पर नज़र रखूँगा, एक एक काम पर नज़र रखूँगा, किसी भी काम में गड़बड़ी होगा उसको पूर्ण रूप से जाँच करवाऊँगा, अच्छी तरह से करवाऊँगा, जनता तक उतरने का मेरा लक्ष्य रहेगा। कोई भी योजना कहीं छुपा न रहे, उसको उजागर करके जनता तक ले जाने का मेरा काम रहेगा। अच्छा, आपका मतलब कि कहना है कि अगर जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं अगर वो कुछ गलत काम करते हैं, कुछ भ्रष्टाचार का काम करते हैं, तो उसको आप उजागर करने का काम करते हैं? हाँ, ये तो मेरा पहला मकसद है। गरीब का कोई भी योजना अगर छुपा हुआ रहेगा, कहीं भी नली गली का काम होगा, गलत ढंग से काम होगा, उसका मैं उजागर करूंगा और मीडिया के सामने पेश करवाऊंगा, गलत काम नहीं होने दूंगा। विपक्ष के नाते मैं अपने सत्ता में मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन विपक्ष का दर्जा हमें जरूर मिला। मेरे पास 700-800 वोट का बहुमत मिला, जो कि मेरे गरीब गुरुआ वोट दिए। अमीर व्यक्ति दिए या न दिए तो नहीं, लेकिन मेरे बात से आकर्षित होकर अभी तक मैंने सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, तो गरीब मोहल्ले में ही ज़्यादा मेरा वोट निकला, जहाँ गरीबों का वोटर था। इसलिए गरीब मेरे बात से पसंद आए, लेकिन अमीर व्यक्तियों द्वारा मेरा बात दबाकर तरह तरह कहते मेरा हराया गया। इससे मेरा कोई दिक्कत नहीं होता, हमें जनाधार मिला, इससे हम गरीबों का सेवा करेंगे। विपक्ष के नाते एक एक योजना का खुलासा करेंगे, अगर कहीं किसी योजना का घोटाला हुआ तो उसे उजागर करके मीडिया के सामने पूरी तरह उजागर करेंगे। अब मुखिया जी इसके लिए तैयार रहें, और जेल जाने के लिए भी तैयार रहें, उसके तक हम कोशिश करेंगे पहुँचाने का। योजना में घोटाला हम नहीं सह सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं। अच्छा पिंटू जी, एक बात और बताइएगा, जैसे कि मुजफ्फरा पंचायत में बहुत सारी हम गए भी, ग्राउंड जीरो पे भी रिपोर्टिंग करने गए, वहाँ पे विकास का काम नहीं हो सका है, और अगर फिर वहाँ पे किसी प्रकार का अड़ंगा लगाया जाता है तो उस पर आपका क्या स्टंट होगा? हम जाकर वहाँ अगर किसी जनता द्वारा ऑब्जेक्शन लगा के काम नहीं किया जाता तो जनता से हम मिलेंगे, जनता से तालमेल करेंगे। बहुत सारे गली नली ऐसा होता है जो आपसी विवाद के कारण काम नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ पर अगर मुखिया जी कोई भी हो, उनसे नहीं सोल्व होगा तो हम जाकर सोल्व करेंगे, वहाँ पर सरकारी योजना का लाभ पहुँचाने का मेरा काम रहेगा। मुखिया जी को कह के जैसे भी हो,
और वहाँ पर काम करवाने का कोशिश करेंगे। किसी भी हाल में सरकारी योजना मेरे पंचायत में हर एक व्यक्ति तक पहुँचेगा, विपक्ष के नाते हम अपना ये वहाँ तक लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब आपका सीधा मिशन है, हम चुनाव हार गए हैं लेकिन जनता का सेवा करते रहें। हाँ, गरीब जनता को सेवा करना मेरा लक्ष्य है, वो करते रहेंगे। गरीब जनता जब चाहे मेरा चुनाव फिर से अगले बार बचेंगे तो आएंगे, चुनाव में जिताएगा, और उसके लिए मैं गरीब जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें कम से कम मेरे विचार से हो कि दिव्यांग व्यक्ति होने के बावजूद मेरा इतना प्रतिशत वोट बढ़ा, पिछले बार की अपेक्षा 7-8% मेरा वोट बढ़ा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। चुनाव मैं हारा नहीं, चुनाव तो मैं जीत गया। इसलिए अगर कोई जीते हुए भी प्रत्याशी हैं तो पिछले बार के अपेक्षा कम वोट ला के जीते हैं, इसलिए मैं पंचायत में ही एक ऐसा उम्मीदवार हूं कि पिछले बार के अपेक्षा ज़्यादा वोट ला के आज चुनाव में जीत नहीं सका, लेकिन ज़्यादा वोट दर्ज ला के आप जनता के बीच हैं। यही लिए मैं बहुत खुशी से अपने आप जनता से खुश हूँ कि ऐसा मेरे कम से कम करने का, विपक्ष के नाते रहने का मौका मिला। मेरे गाँव में धोखाधड़ी करके, विश्वास के साथ धोखा करके मेरे वोटरों को कुछ द्वारा बहकला फुसला कर बेच दिया गया, इस वजह से मेरा मतलब चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव में हार जीत तो सिलसिला लग रहा, जनता का सेवा करना मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य करते रहेंगे, इससे कोई परेशानी नहीं। गरीब का सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है, गरीब गरीब कब तक रहेगा, इस पर काम करते रहना है। आखिरी सवाल पिंटू जी, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र को जनता यही संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे विचार वाले को, पैसे वाले विचार, पैसे वाले व्यक्ति उसको किसी भी हार में दबाना चाहता है, इस तरह के दबाना चाहता है कि वो अब जब चुनाव जीतेगा पिंटू तो सिर्फ गरीब ही को देखेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। गरीब को आज सख्त सरकारी योजना का लाभ का जरूरत है, उस पर जब हम योजना का काम की, योजना का जानकारी देना शुरू किए तो इस पर विरोध कर करके तरह तरह के, आपको तो पहले पीछे भी बता चुके कि छापेमारी तक मेरे ऊपर मरवाया गया, मेरे ऊपर जान का हमला किया जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता, उसके बावजूद भी जनता जो मेरा थे वो किसी भी बहलावे के बहकावे के बाद ही मेरा उतना मतदान किया मेरे समर्थन में, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जनता इतने मेरे साथ है, इन्हीं जनता के सहयोग से मैं राजनीति में आगे बढ़ता रहूँगा, मेरा सहयोग कायम रहेगा, जनता की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। तो हमारे साथ उपस्थित है पिंटू जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया। इनका कहना है कि हम भले ही चुनाव हार गए हों लेकिन पिछले बार से जनता ने हमको ज़्यादा मत दिया है, उनके मतों का हम इज्जत रखेंगे और सरकार का जो भी योजना आएगा उसको धरातल पर पहुंचवाने का काम करेंगे, मुखिया जी से लड़ करके पहुंचवाने का काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र में विकास का काम होते रहेगा, किसी प्रकार का बाधा आएगा तो पिंटू जी उसमें सहायता करके उस बाधा को समाप्त करेंगे। तो ऐसे ही हम आपको क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।